हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोर्ट की जबरी मसमारी ना मंजूर, कोर्ट की जबरी मसमारी ना मंजूर। ये इल्लीगल हो गई है तो मैं कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को, सरजानी पुलिस को और एमडीए को शर्म आनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अब जब ये आएंगे तो मैं कहता हूँ मसीह कौम पूरी कुव्वत के साथ इनका मुकाबला करेगी। शुक्रिया। इस मुल्क में जो जुल्म की दास्तानें लिखी जाती है उसमें सबसे अहम बात यह कि जहाँ गरीब बसता है, जहाँ गरीब के घर है, जहाँ उसके बच्चे रहते हैं, जहाँ उसकी रिहायश है, जो उसने इंतहाई मेहनत से पैसे बचाकर जमा करके एक छोटी सी जगह खरीदी, अपना प्लाट बनाया, अपने बच्चों का बसेरा बनाया। अफसोस, इस मुल्क में उस गरीब की झोपड़ी, उस गरीब के प्लाट, उस गरीब के एक मरले की जमीन पर उन तमाम युद्धों की नजर होती है कि किस तरह कोई पॉलिसी नहीं, किसी भी हुकूमत ने गरीबों के लिए सस्ते रिहायशी स्कीम नहीं बनाए। जो गरीब लोग हैं वो शहरों के बीच में नहीं रह सकते, वो कहाँ जाएं? कोई गरीब 10-20 करोड़ की जगह नहीं खरीद सकता, 2-3 करोड़ के फ्लैट नहीं खरीद सकता, तो मजबूरन हम गरीबों को ऐसे इलाकों में बैठना पड़ता है। इसीलिए कि रिहायश इस मुल्क में हम समझते हैं कि हमारा हक है, ये पाकिस्तान की जमीन तमाम पाकिस्तानियों की है। नामंजूर, कोर्ट की मसमारी 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 नामंजूर, जबरी बेदखली नामंजूर, जबरी बेदखली नामंजूर, जबरी बेदखली नामंजूर। हम आज के इस एहतजाज के जरिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो गरीब इस बस्ती में बसते हैं उनको छेड़ना, उनको वहाँ से हटाना बंद करें। बोली मेरी, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि ये अगर इंतजाम होना तो सबका होना, जो साहब का एमडीए के वहाँ डायरेक्टर रहे उनका इंतजाम होना चाहिए, या एसएचओ जो साहब का गुजरे जिनके द्वार में वहाँ पर आबादी हुई और हर घर से पैसे लिए गए, पुलिस ने हर घर से पैसे लिए, फिर लोगों को वहाँ तमीरात करने दी जाती रही है, लोगों ने वहाँ पर पैसे दे कर खरीदे हैं, जो कोठे एमडीए क्रॉसबेंड 3 दायरे डेली पैसे लेते थे, हर प्लाट जो लोग वहाँ बात होते थे, जो वहाँ के ठेकेदार जो बात करते थे वो पुलिस को पैसे देते थे, एमडीए को पैसे देते थे, एंक्रोचमेंट के दायरे को पैसे देते रहे। सबका एहतसाब होना चाहिए, सबको कटारे में आना चाहिए, ना कि सिर्फ गरीबों की, गरीबों का इत्तेसाल किया जाए, गरीबों की वादियों को जिन्होंने अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा कर अपने घर बनाए हैं उनको मिसमार किया जाए। और मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीरे आला सिंध से, डीजी केडीए से, डीजी एमडीए से, अगर ये लोग गलत थे इतने साल वहाँ कैसे बसने दिया, क्या अदारे सो रहे थे? कमाई जो वो कमेटियाँ डालकर अपनी सर छुपाने की छत के लिए पैसे जमा करते हैं और उन्हीं जगहों पर कब्जा कर लिया जाता है, जो कोर्ट बनाता है वही दो दो तीन तीन जगह इन प्लॉटों को बेच देता है, या फिर दूसरा कब्जा माफिया ग्रुप उन प्लाटों के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेता है। ये एक ज्यादती है, ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है, अकलियतों को दीवार के साथ लगाने की एक कोशिश है। हमारा ये हुकूमत वक्त से मुतालबा है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर सिंध हो, आईजी सिंध हो, गवर्नर सिंध हो, या रियासती अदारे जो हैं, हम उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मसीहों के साथ, अकलियतों के साथ ज्यादती बंद की जाए। और सुरजानी के इलाके में एक मामला नहीं है, बहुत से मामला हैं और वहाँ का थाना बराह रास्त मुलविस है, और मैं बाकायदा इसको बराह रास्त नॉमिनेट करता हूँ कि वहाँ का
जो इंतजामिया थाने की और अमला जो है इन सारे मामलों में मुलविस है, जिसमें पिछले दिनों एक यौहन्नाबाद में भी एक ज्यादती का वाक्य सामने आया कि यौहन्नाबाद में भी एक फैमिली की प्लॉटों के ऊपर कब्जा किया गया और उसमें थाने ने की इन्वॉल्वमेंट रही उस सारे मामले में। और कुछ ही दिन पहले उसी थाने में एक झूठी FIR भी काटी गई मसीह घराने के खिलाफ, और ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है और हम इस ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हुकूमत वक्त ने, रियासती अदारों ने और सियासी तंजीमों ने जो इस वक्त मेन स्ट्रीम पर हैं इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया, तो हम ना सिर्फ एहतजाज बल्कि भूख हड़ताल या धरने की तरफ भी जा सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में या ज़मीनी इंतखाबात में अकलियत का वोट हमेशा फैसला कुन वोट रहा है, और यही वो वोट होता है कि जो जीत और हार की फैसला करता है। तो लिहाजा हमें मजबूर नहीं कि यह किया जाए कि हम इलेक्शंस में, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात के हों या ज़मीनी इंतखाबात के हों, कि हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएं और हम बड़ी सियासी जमातों के साथ इल्हाक से जो है वो बायकॉट की तरफ सोचने का सोचें। इसी खुदा में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आपने होली मैरी गोट का तबसरा सुना, हमारे बहुत सारे यहाँ पे अकलीती नुमाइंदगान और सरबरान खान ने जो कि यहाँ पे अपना मौक़ पेश किया, मैं भी आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि होली मैरी जो कि एक सोसाइटी है, वो एक मुत्तफिक एक क्रिश्चियंस की सोसाइटी है, और हम लोग वो लोग नहीं हैं कि अपनी सोसाइटी में किसी भी गैर क्रिश्चियन को इजाज़त ना दें कि वो ना आए। जैसे कि आप लोगों के शिया कम्युनिटी है, रोही कम्युनिटी है, और ये लोग इनकी जो कम्युनिटियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर आप देखिए कोई भी किसी भी दूसरे तबके का आदमी वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकता, वहाँ पे प्लॉट नहीं ले सकता, वहाँ पे किराए पे नहीं रह सकता। लेकिन होली मैरी एक ऐसी हमारी क्रिश्चियनों की एक सोसाइटी थी जिसमें हम लोगों ने तमाम तबकात के जो लोग थे, तमाम मजाहब के जो लोग थे, उनको इजाज़त दी कि वो आएँ, वो रहें। हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सब आके रह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये होली मैरी जो कि एक सोसाइटी है जिसको बसमार किए जाने का ऑर्डर दिया गया है, मैं इसकी पुरजोर बोलता हूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ इस छोटे से बच्चे की तरफ करूँगा कि आप इसकी हालत देखें कि और शबीर भाई जो है NCP के चेयरमैन है हमारे, मैं इनकी अजमत को सलाम कहूँगा, क्योंकि जब ये सानिया पेश आया है तो ये वाहिद बंदा था जिसने आज कदम उठाया है और ये सारी बरादरी को साथ दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये फैमिली हैं, ये माएँ, ये बहनें हैं। आप इनको अगर फोकस करें तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बेचारे इस काबिल हैं कि इनकी अगर ये घरों को मस्मार करेंगे तो ये अपने घरों को दोबारा आबाद कर सकें। लिहाजा आला हुकाम से और ख़ास करके मेरी जो क्रिश्चियन कौम के जो सलार इन पार्टियों में बैठे हैं, मैं उनको ज़रूर बावर कराऊंगा कि आप खुदारा अपनी कौम के साथ खड़े हों, क्योंकि जब आपका खड़े होने का वक्त होता है तो आप पता नहीं कहाँ फरार हो जाते हैं। और ये पुरजोर अपील है मेरी वज़ीर आला सिंध से और मर्द हुर आसिफ अली जरदारी आपसे कि गरीबों को जीने दें सर, इनको इनके हकूक़ दें, क्योंकि आप बहुत एक गरीब परवर इंसान हैं और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ को आप ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर आप मुझे जानते भी होंगे, तो इस सब कौम की तरफ से मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ। मेरा नाम जाहिद फारूक है, अर्बन रिसोर्स सेंटर URC कराची के साथ काम करता हूँ, ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ, और पिछले 25 साल से ऐसे जहाँ मकाना टूटे, वो लियारी एक्सप्रेस वे हो या कटी पहाड़ी हो या नादरन बाईपास हो, उनको मॉनिटर करता हूँ। ये जो मसला है ये हुकूमत ने खुद खड़ा किया है। 2009 में जब ये गोठ बनना शुरू हुई तो इस गोठ के जो पैसे लिए जाते थे वो इंतज़ामिया को जाते थे, उस गोठ के मालकान को जाते थे, पुलिस को जाते थे, सियासतदानों को जाते थे। अब जब इस गोठ को बने हुए 12-13 साल हो गए, उन दरख्तों को लगे हुए 12-13 साल हो गए, उन बच्चों को वहाँ रहते हुए 12-13 साल हो गए, चर्च मस्जिद मंदिर को 12-13 साल हो गए, तो अब गवर्नमेंट को ख्याल आया
एक बाद में बैलेटिंग करके कि ये तो ज़मीन किसी को हमने और को अलाट की है। मुतालबा हमारा ये है कि इन कम आमदनी वाले तबके को, जो मसीही हैं, जो हिंदू हैं, जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, इन सब का हक है रहाइश। पाकिस्तान का दस्तूर ये कहता है कि रहाइश रियासत फराहम करेगी, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो हर शहरी को मुनासब रहाइश की सहूलत, मुनासब सहूलियात के साथ फराहम करे। आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और आज हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के ऊपर, और यहाँ पर जो है होली मैरी के नाम से जो एक गोट जो है आबाद था पिछले 9-10 साल से कराची के इलाके सरजानी टाउन में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एक मसला दरपेश आया कि हकूमती अदारों की तरफ से, एमडीए की तरफ से और तमाम जो वहाँ पर थाना है मुतलका और लोग हैं उनकी तरफ से जो है वो वहाँ पर घरों को मसामार करने की एक जो है तहरीक चलाई गई, और जिसमें जो है मसामार किए गए काफ़ी घर वहाँ पर। आज यहाँ पर जो क्रिश्चियन आबादी, यहाँ पर बहुत क्रिश्चियन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मसीह लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम लोग मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पर अपनी जमा पूंजी जमा करके उन्होंने वहाँ पर अपना मकान ख़रीदा, वहाँ पर वो रह रहे थे और वहाँ पर काफ़ी अरसे से वो वहाँ पर आबाद हैं, गरीब लोग हैं। आप इनकी हालत ज़हर के ऊपर कुछ गौर करें। हुकूमत वक्त से मैं गुजारिश करूँगा कि काश के वो होश के नाखून लें। आप एक जगह को आबाद हो रही है अगर वो, तो उसी टाइम आप उसको कंडेम करें, या वहाँ पर जो है अपना जो है वहाँ पर जो भी आपने कानूनी कार्रवाई आप करें। जब लोग वहाँ पर आबाद हो जाते हैं, लोग वहाँ पर आके रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो है कुछ सालों के बाद वहाँ पर उन लोगों के घरों को तोड़ा जाना, क्या ये गफलत का मुजाहरा नहीं है? क्या उस वक्त जितने ये अदारे थे जो आज हरकत में आए हैं, क्या उस वक्त ये अदारे सो रहे थे? उस वक्त उन लोगों को इस चीज़ का होश नहीं आया जब ये लोग वहाँ पर आके मुकीम हुए? तो आज मैं मुतालबा करता हूँ उन अदारों से, उन अफसरान से, कि जो तमाम उन्होंने ये कार्रवाई की है उस चीज़ को रोका जाए। इस चीज़ के ऊपर हकूमत सिंध को चाहिए और तमाम जो हमारे सरकारी अदारे लैंड डिपार्टमेंट से मुलव्वस है, तमाम मिनिस्टर्स वगैरह को चाहिए कि वो इस चीज़ का खुद नोटिस लें और इन लोगों की दादरसी की जाए, वहाँ पर फौरी तौर पे इंक्रोचमेंट को रोका जाए। पहले या तो इनको मुतबादल जगह दी जाए, या तो इनके घरों के जो लागत आई है वो मुआवजा इनको दिया जाए, या तो कुछ भी इस चीज़ का जो है वो सलूशन निकाला जाए कि इस तरीके से लोगों को बेघर करना, लोगों के घरों को तोड़ना, ये सख्त जुर्म है। ये भी मैं चाहता हूँ, मेरी मुतबाना अपील है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम उन लोगों से, सियासी, समाजी और सोशल, जिन्होंने मिलकर इस एहतजाज को मुमकिन बनाया। तो मैं हूँ आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, बिल्कुल आपको आगाह करते रहेंगे इस पूरे मामलात से, पूरी जितनी। वेलकम बैक व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो सिस्टर कैथरीन मौजूद हैं, जिन्होंने जो है वहाँ पर काफ़ी टाइम से मुकीम हैं, और आज ये क्या कहती हैं उस जगह के हवाले से, क्या मामलात थे, क्या वजूहत थी, आइए इनसे जानते हैं। जी सिस्टर जी, ये भैया जब मैंने ये जगह लोगों के लिए अपने मसीही और मिनोरिटी के लिए ली, ये जगह ऑलरेडी गोठाबाज स्कीम थी और गोठाबाज स्कीम की वजह से ये इंस्टॉलमेंट्स पर लोगों को दे रहे थे, जिसमें मैंने भी जाकर अपने लोगों के लिए फरियाद की और हमारे लोगों ने भी गोठा इंस्टॉलमेंट स्कीम से ये जगह ख़रीदना शुरू कर दी। इसके बाद वक्त गुजरते गए, गोठाबाज की वजह से हमें वहाँ के सर्वे किया गया, नक्शे बनाए गए और हमें नक्शा भी दिया गया उस जगह का, और इसके बाद एमडीए आ गया और एमडीए ने कहा कि ये अभी एमडीए के अंदर चली गई, ये गोठा स्कीम नहीं है। फिर एमडीए ने सर्वे किया, इन्होंने नक्शे बनाए और हमें दिए, हमें तसल्ली देते रहे कि ये चर्च को जगह दी गई है। म्यून अख्तर ने अजाज भट्टी से बातें की और आज बगैर हमें अतला किए हुए, कोई नोटिस दिए हुए आके तो बडोजर पूरे इलाके में
ने फेर दिया है और चंद घर बचे हैं जिसमें से 300-400 घर तो बाबा बर्बाद कर दिए और मुश्किल से शायद 100 लोग फैमिली घर बचे होंगे। स्टे की तरफ नहीं गए, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस ये जो तबाही मच रही है इसे रोका जाए और फिर हम देखते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो लाजमी है हमें कोर्ट से रब्ता करना पड़ेगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच एस एस साहिबा। वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पर सरजानी टाउन में जो होली मैरी के नाम से जो है गोड जो है आबाद था और जो सिस्टर कैथरीन ने वहां पर काफ़ी हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको जो है वहां पे प्लॉट दिलवाए थे। तो आज हमारे साथ वहाँ पर जो एक घरों को मसामार करने का हुकूमत की तरफ से जो है वो कुछ इस तरीके के अनासर सामने आए हैं, तो आज यहाँ पर प्रेस क्लब पर उसके हवाले से एहतजाज था। मेरे साथ जो है वो मैडम आयरी खान जो है इस वक्त मौजूद है हमारी स्क्रीन पे, आइए जानते हैं कि ये क्या अपना मुतालबा हुकूमत के सामने रखती हैं। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने इस बात को समझा कि माइनॉरिटी के जो मसले होते हैं उसे हाईलाइट होना चाहिए। अब ये जो गोट आबाद स्कीम थी जिसके अंदर उमर बरोही गोट और होली मैरी है, ये कई सालों से आबाद है। 2009 से मैं वहाँ पे वेलफेयर का काम कर रही हूँ। खुशी मेमोरियल फाउंडेशन मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बिहाफ पे मैं वहाँ पे हमेशा लोगों की वेलफेयर कर रही होती हूँ। अब हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत सिंध से अपील ये करते हैं जो नुकसान मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है उसे पूरा किया जाए, उनके घरों को रीबिल्ड किया जाए, उनको वो तमाम सहूलियात जो उन्होंने बड़े सालों में बनाई थी उनको दोबारा से दी जाए। और मेरी आप सबसे अपील है जो ये सारी वीडियो देख रहे हैं, जितना आप चाहें इसको आगे फैलाएं ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि माइनॉरिटी के साथ कोई मसला होता है तो पूरे पाकिस्तान को जहाँ कहीं लोग हैं वहाँ इस बात को समझते हुए हुकूमत तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ हारून खान के साहब भी मौजूद हैं। हारून खान खोखर इनका पूरा नाम है, लर्न एंड डिलीवर वेलफेयर के चेयरमैन हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं आज के एहतजाज के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया रेमंड भाई और जे टीवी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये जो प्रोटेस्ट आज हुआ है ये होली मैरी सोसाइटी के हवाले से जो प्रोटेस्ट हुआ है, मुझे आज बहुत अफसोस हुआ है और यकीन मानिए कि मेरा दिल आज आंसुओं से रो रहा है, क्योंकि मैं 6 साल पहले जब होली मैरी का विज़िट करके आया तो मैंने वहाँ पर देखा अपनी मसीह बरादरी को जब वो प्लॉट बना रहे थे, जब वो अपने छोटे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके और वो काम करा रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। क्या ये उचित है या ये क्या सही है कि आप आज मलिर अथॉरिटी जो है वो हमारी आबादियों को मसमार करें, ये क्या उचित है? वो भी देंगे क्योंकि ये मसीह कौम का मसला है, हम मसीह कौम पाकिस्तानी हैं और हमें पूरा हक है कि हम इस पाकिस्तान में रहते हुए अपने सारे हकूक़ हासिल कर सकते हैं और ये हकूक़ हासिल करेंगे, और अगर कोई नहीं देगा तो हम छीन के लेंगे, हम लड़ के लेंगे, हम जिस तरह भी लेना होगा हम लेंगे। थैंक यू। जी व्यूवर्स, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ हारून खान खोखर साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़े अच्छे अपने जज्बाती ख्यालात का इजहार किया आज के एहतजाज के हवाले से, जो तमाम जो है एक बहुत ज़्यादा जुल्म रचा गया एमडीए की जानिब से, हुकूमती इदारों की जानिब से होली मैरी गोट की तरफ, तो उसके लिए भरपूर तौर पर उन्होंने मजम्मत की है।